एलिमिनेशन यहाँ पे हो चुका है। अब नकुल अगर एक आपसे 1v3 कर देते, एक 1v4 कर देते, एक अलग बात होने वाली। नीचे टीम टीएमजी के प्लेयर्स बैठे हुए हैं, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाएगा। और अगर आप देख लोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी की सारी टीम्स वहाँ पे फैल के बैठी हुई जरूर है, किसी भी फेवर में नहीं और किसी भी टीम के अगेंस्ट नहीं यहाँ पे जोन दिखाई दे रहा। लेकिन अब गॉडलाइक जिस तरीके से यहाँ पे इस मैच में आके बढ़ रही थी, दो प्लेयर्स इनके नॉकडाउन हो चुके, सिम का एलिमिनेशन तो हमें शेल्टर के पास ही देखने को मिल चुका था, और वो हो जाएगा आज, सर्वर अटक जाएगा, समझ रहे हो आज सब होने वाला। गॉडलाइक के प्लेयर्स हैं जरूर, उनके चारों बेचारो टीम आयकू सोल के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। वो जिस तरीके से वहाँ पे विराजमान है मान्या, सौम्य, किरमाड़ा एंड नकुल, कुछ ऐसा देखने की कोशिश नहीं की, और जब आज तुमने ऐसा कोशिश किया तो आज देखो मेरे साथ क्या हो गया। रोज यहाँ पे स्ट्रीम ऐसे नहीं चलती, और गॉडलाइक की फाइट से यहाँ पे शुरू टीम 19 के प्लेयर्स के साथ, और देखते देखते दो प्लेयर्स डाउन। गॉडलाइक को लगता है मैं मान्या के थोड़ा सा ये रोटेशन वगैरह से वाकिफ हूँ कि ये भाई बहुत, लेकिन आप गॉडलाइक जोनाथन की, जी गॉड की और धर्मपाल की एंड सिंप की टीम वर्सेस जेली की टीम, अपराइजिंग राइवल्स के बीच में फाइट्स यहाँ पे शुरू। एंड चलिए आगे बढ़ा जाएगा, धर्मपाल थोड़े से डैमेज वहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, सैम रहीम डाउन है, फिनिश ऑफ कंफर्म किया जाएगा जी गॉड की तरफ से, जो प्लेयर यहाँ पे घुटनों पे रिवाइवल दिया जाएगा, लेकिन जेली ने दूसरे ही पल वहाँ पे धर्मपाल को डाउन कर दिया एंड विद इन द सेकंड्स फिनिश ऑफ कंफर्म, एंड जोनाथन भी घुटनों पे आ चुके हैं। तो वो दोनों प्लेयर्स का एलिमिनेशन तो समझ ही लीजिए, और अपराइजिंग राइवल्स जिस तरीके से यहाँ पे पुश कर रही है, मुझे लग रहा है कि टीम गॉडलाइक इस मैच से बाहर जाने वाली है। क्या लगता है आपको? सिंप अपने आप को पूरी की पूरी तरीके से सेफ रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, जेली यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, डॉट एच भी रह चुके हैं, जोन से डैमेज होंगे, फोस्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, व्हीकल वहाँ पे ब्लास्ट की गई सिंप की तरफ से, थोड़ा सा उनको रोकने में जरूर ये कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जो टीम नंबर 14 यहाँ पे पहुंची है वो एक अलग कहानी लिखने वाली है, वो एक अलग दास्तान यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला। और सिंप यहाँ पे जेली के सामने अकेले कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, एक ग्रेनेड का प्रहार इनको डाउन कर सकता है, एक ग्रेनेड का प्रहार उनको डाउन कर सकता है। राइट साइड में जोनाथन अभी भी नॉकडाउन पड़े हुए हैं, और चलिए फिनिश ऑफ फाइनली कंफर्म हो चुका है, जी गॉड भी घुटनों पे आ चुके हैं यश की तरफ से, और आप सिंप वो आखिरी वो लास्ट उम्मीद, इट्स लाइक जेली तो शायद इनको लेके जाएंगे, या फिर सिंप अपनी तरफ से उनको एलिमिनेट करके कम से कम अपनी टीम के लिए थोड़ी सी आस, थोड़ी सी उम्मीदें जगा सके, क्योंकि तीन प्लेयर्स के डाउन होने के बाद गॉडलाइक की अब उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है इस मैच में बचने की और सेफ रहने की। और एट लास्ट जेली थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा डैमेज है नेट मुकाबला। अब तक अगर दोनों टीम्स में कोई बचा है तो फिर ओ ओ ओ ओ ओ ओ चलिए चलिए टीम 14 ने स्लैम डाला, थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे सिंप दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मिकी यहाँ पे जस्ट फ्रंट पे एक और नॉक निकाल चुके हैं, राइट साइड में यश वो प्लेयर है जिन्होंने जी गॉड को डाउन किया, जिन्होंने जोनाथन का एलिमिनेशन वहाँ पे कंफर्म किया था, और वो अपने हाथ में ग्रेनेड ले चुके हैं। एक 1v1 की फाइट यहाँ पे यश के साथ आगे बढ़ेंगे, उस प्लेयर का एलिमिनेशन कंफर्म करना चाहते हैं, मॉलिस ग्रेनेड दोनों तरफ से चल रहे हैं, यश को फिनिश ऑफ करके क्या पूरी की पूरी टीम को 1v4 सिंप ने किया। जली की क्रेट पे आया वो बंदा, अरे वो जोन से नॉक हो गया था क्या, येलो फुट मर एक ही है ये, अरे नाइस नाइस, एमो नहीं है तेरे पे, एमो नहीं, शॉटगन से मारियो आराम से, नेट कर रहा है वो, वो पोजी दे रहा, पोजी दे रहा है तेरे को, ले 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 फेक कर, बैठ कर, ब्रेक ने कर दिया, एलिमिनेशन जल्द ही कंफर्म हो सकते हैं, और सिंप की तरफ से भी ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड कशिश को डाउन किया गया सिंप की तरफ से, और मैड्रेक धीरे धीरे जोन के अंदर जाया जाएगा। सामने टीम बैठी है, साउंड ऑफ क्या हो गया थोड़ा बता दो मेरे, ओ ओ ओ मतलब हर जगह से, एक जगह टीजी के प्लेयर है, एक जगह टीम 70 के प्लेयर है, एक जगह जैसी दिखाई दे सकते ड्रीम्स के प्लेयर, और बीच में जो अकेले सिंप यहाँ पे फंसे हुए हैं, और